तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको जो अपॉइंटमेंट लेटर है आपका, जो आपने नेट से लिंक लगवाया है, वो आपको अपने साथ ले लेना है। उसके बाद मैट्रिक की डीएमसी की ओरिजिनल कॉपी लेनी है, जो आपका आधार कार्ड है ओरिजिनल वो भी लेना है, और तीनों डॉक्यूमेंट्स की एक एक जीरोक्स कॉपी भी साथ ले लें, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस में जमा करानी होती है, नहीं तो आपको दोबारा वहाँ से करवानी पड़ती है। तो चलिए आपके ऑफिस में पहुँच चलते हैं, पासपोर्ट ऑफिस में। ये आपका पासपोर्ट ऑफिस आ गया। इस प्रकार से आपको बाहर थोड़ा वेट करना होगा। ये ऑफिस है, जो यहाँ पर आपने जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर है वो आपको इन अधिकारियों को दिखाना होगा। जैसे ही आप इन अधिकारी को वो अपॉइंटमेंट लेटर दिखाएंगे, वे उस पर काउंटर या 1, 2, 3 ऐसे जो काउंटर हैं आगे दिखाएंगे आपको, वो लिखेंगे, आपको उसके हिसाब से आगे जाना है। चलिए आपके नंबर के हिसाब से आप इस पहले काउंटर पे हैं, एक नंबर लिखा उन्होंने जो सुरक्षा अधिकारी थे। तो यहाँ पर आपको जो वेरिफिकेशन लेटर मिला है आपने जो बाहर दिखाया था, वो उनको दिखाना है। तो यहाँ से देखने के बाद ये कंप्यूटर में आपके डाटा चेक करेंगे। चेक करने के बाद आपको इस प्रकार का एक टोकन नंबर दिया जाएगा, जो 1 नंबर भी हो सकता है, 80 नंबर भी हो सकता है, जो भी आपकी सीरीज है उसके अनुसार आपका टोकन नंबर आपको मिल जाएगा। देखिए इस पर लिखा है सर्विस एरिया काउंटर, पहले आपको ए पे जाना है, फिर बी पे, फिर सी पे, और उसके बाद बाहर निकल जाना है। तो ये आपकी इस प्रकार की स्लिप आपको मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। आपको इस प्रकार से वेटिंग हॉल है, वहां पे बैठ जाना है। जैसे ये पासपोर्ट बनवाने वाले बैठे हैं, आपको इस तरह से बैठ जाना है। सामने आपके एलईडी चल रही है इस प्रकार से, देखिए इस प्रकार से एलईडी पे स्क्रीन पे आपके सामने टोकन नंबर अलाट हुए हैं, टोकन नंबर 83, जो काउंटर ए के 15 नंबर टेबल पे जाएगा, और जो अगला टोकन नंबर है N116 वो काउंटर ए के 13 नंबर टेबल पे जाएगा, जो 118 है वो काउंटर ए के 9 नंबर टेबल पे, जो अलग अलग टेबल बनी हुई है ए बी सी डी के अनुसार, उन पर जाना होगा। चलिए आप मान लेते हैं आपका इनमें से कोई एक आ गया, तो उसके बाद क्या करना है आपको, आप उस अधिकारी के पास जाएंगे जहां पर आपका नंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले वो अधिकारी आपके डॉक्यूमेंट्स देखेगा, स्कैन करेगा उनको, अपलोड करेगा उस पर कंप्यूटर पे। उसके बाद आपके बायोमेट्रिक और आपकी फोटो होगी। फोटो होने के बाद आप दोबारा से फिर उसी हॉल में आ जाएंगे, आगे आपके सामने एक और हॉल बना होगा, वहां पे फिर आप देखेंगे कि एलईडी स्क्रीन चल रही है, उस पर आपके दोबारा से टोकन नंबर आएगा। टोकन नंबर आने के बाद आपको वो टोकन नंबर पे लिखा होगा एलईडी पे कि आपको कहाँ पे जाना है। जैसे उसके बाद आपके सामने B1, B2, B3 इस प्रकार से टेबल होंगी, जो आपका नंबर है, जैसे मान लीजिए आपका लिखा है B2, तो आप B2 पे यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे इन अधिकारी को, ये आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करेंगे और इसको कंप्यूटर में मिलान करेंगे और आपको वापस डॉक्यूमेंट्स दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना होगा, फिर आपको बाहर आना है, इस टेबल से बाहर आ जाएंगे आप, दोबारा हॉल में बैठ जाएंगे। इस प्रकार से हॉल में दोबारा आप जो एलईडी स्क्रीन चल रही है उस पर अपना नंबर देखेंगे, दोबारा से आपका नंबर यहाँ पे दिखाई देगा। मान लीजिए ये आपका नंबर है, यहाँ से दिखाई देगा आपको। उसके बाद सी टेबल पे जाना है, सी टेबल की जो टेबल नंबर 1, 2, 3 इस प्रकार से कई टेबल बने हुए हैं, जिस पर भी आपका नाम आता है, काउंटर नंबर आता है, आप उस पर जाना होगा। चलिए अगले अधिकारी के पास चलते हैं। तो इस प्रकार से आप अगले अधिकारी के पास आ गए, जो सी नंबर टेबल है। तो यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी और ये जांचा जाएगा कि आपको पासपोर्ट दिया जाए या ना दिया जाए। आपके 1-2 सवाल किए जा सकते हैं, नॉर्मल सवाल होते हैं, कोई इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ये चेक किया जाता है कि आपका पासपोर्ट बनवाया जाए या नहीं बनाया जाए। चलिए उसके बाद आपको दिखाते हैं क्या करना होगा आपको। उसके बाद आप एग्जिट हॉल की तरफ आ जाएंगे, यहाँ पर आपको एक स्लिप मिलेगी, एक्नॉलेजमेंट कार्ड होता है जो, वो मिलेगी। यहाँ पर आपके आपसे एक फॉर्म भरवाया जाएगा, फीडबैक फॉर्म, कि आपको यहाँ पर आकर कैसे लगा। तो यहाँ से आप फीडबैक फॉर्म लेकर जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको मिल जाएगा, फीडबैक फॉर्म आपको वापस जमा कराना है, तो आप यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। किस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट कार्ड होगा ये देखिए, इस प्रकार का एक्नॉलेजमेंट कार्ड आपको मिलेगा। आप इसे कहीं भी ट्रेस कर सकते हैं, आपका पासपोर्ट कहाँ पहुंच गया, कहाँ पर पेंडिंग है, तो इस प्रकार से यहाँ से चेक कर सकते हैं एक्नॉलेजमेंट लेटर के साथ। तो दोस्तों इस प्रकार से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं passportindia.gov.in पर। अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो आप 1-800-258-1800 इस पर कॉल कर सकते हैं। तो यदि आप और भी कोई इस प्रकार की क्लेरिफिकेशन जानना चाहते हैं, नेशनल कॉल सेंटर पर आप टोल फ्री नंबर है जो 1-800-258-1800 यहाँ पर आप फोन करके ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और भी आप यदि आप कोई जानकारी हमसे प्राप्त करना चाहते हैं,
प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको जानकारी जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया वो आपको पसंद आई, पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद, जय हिंद।